हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार सुमित। फोर्स के अर्बानिया का आपने देखा था 13 सीटर वाला वेरिएंट, अपना दिखाया, बहुत ज़बरदस्त प्यार दिया। लेकिन कहानी 13 सीटर तक नहीं है ना। फोर्स कभी भी अपनी गाड़ियों में ऐसे नहीं है एक ही जगह ठोक के रख दे आपको कि बस यही ऑप्शन। ऑप्शंस की कभी कमी नहीं छोड़ते, वही चीज़ है अपने सामने। देखने में सेम है फ्रंट लुक से, लेकिन जब आते हैं साइड प्रोफाइल पर तब आपको कहानी पूरी समझ आ जाती है। ये है अपने पास 17 सीटर, भाई 17+ ड्राइवर, मतलब टोटल 18 लोग बैठते हैं। लंबाई देख रहे हो इसकी, कितनी सॉलिड लग रही है भाई। मेन चीज़ है इसका व्हील बेस, उसी से डिफ्रेंशिएट होती हैं गाड़ियाँ। इसका व्हील बेस अपने सामने जो है 17+D का लगभग 4400 mm। अब ये कितना होता है तो मोटा मोटा ये पकड़ लो, जो अपने पास अर्टिगा आती है ना भाई, उसकी अर्टिगा की लंबाई जितना इसका केवल व्हील बेस है। अब समझ रहे हो, 7 मीटर, बिल्कुल 7000 mm इसकी पूरी लेंथ है। 7 मीटर लंबी गाड़ी है, लेकिन जो चेंज नहीं होती चीज़ें वो हैं इसकी विड्थ। विड्थ वही पहले की तरह 2095 mm, और इसका लुक अल्ट्रा प्रीमियम लुक वो भी वही है। अर्बानिया यहाँ पर लिखा हुआ सामने, हेडलैम्प आपको मिल जाते हैं, यहाँ प्रोजेक्टर, यहाँ पर रिफ्लेक्टर, दोनों के दोनों हैलोजन बेस्ड हैं। ये पूरी DRL है, जब जलती है ना यही तो लुक देती है। बड़े बड़े प्रीमियम विदेशों में जो ट्रक चलते हैं, बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, ऐसी तो शेप की होती हैं, वह वही चीज़ इसमें दे रहे हैं भाई। ये DRL जलती है, लेकिन जब इंडिकेटर की बात आती है तो इंडिकेटर इस तरह से, वो भी LED है। नीचे आपको फॉग लैंप मिल जाता है, और ये है पूरी की पूरी कहानी। बड़ी सी विंडशील्ड और बड़ा बड़ा आपको वाइपर, वाइपर में भी कहानी देखो, यहाँ पर आपको इस तरह से नोजल यहीं मिल जा रहे हैं। अलग से आपको वॉशर यूनिट नहीं मिल रही ना, इसी में लगे रहते हैं, ऐसे सटासट ये साफ़ भी करते रहते हैं, और अपना पानी भी डलता रहता है। ठीक है भाई, ये हो गई कहानी। यहाँ आ जाता है साइड प्रोफाइल पर, साइड प्रोफाइल में लंबाई वम्बाई तो बता दी आपको। यहाँ देखते हैं अपना तो टायर प्रोफाइल है 235/65R16 इंच है, और डिस्क ब्रेक चारों व्हील में मिलती है आपको। बिल्कुल भाई, ABS, EBD विद ESP, ये कोई कार के फीचर नहीं बता रहा मैं, ये आपको इसमें मिल जा रहे हैं। यहाँ मिल रहा है अपना ORVM, बड़ा सा, इसमें दो दो यूनिट है। ये तो हो गया अपना नॉर्मल ORVM, उसके साथ साथ ही अपना ब्लाइंड स्पॉट मिरर के लिए मिल रहा है। यहाँ हो गया इंडिकेटर, उसके साथ पोजिशनिंग लैम्प्स हो गए, और मस्त है यार, लंबी सी प्रीमियम असली पैनोरमिक व्यू तो इसमें आ रहा है, देख रहे, पूरा का पूरा एक ग्लास एरिया, ज़बरदस्त। और उसके साथ आ जाते हैं रियर प्रोफाइल पर। अभी अंदर जो सिटिंग है वो भी दिखाऊंगा, फिलहाल एक बार बाहर बाहर से तो देखना। ये है कुछ रियर की प्रोफाइल, फोर्स यहाँ पर लिखा हुआ, उसके साथ अर्बानिया, ऊपर कैमरा मिल रहा है हाई माउंट स्टॉप लैंप के साथ, और 4.1234 रिवर्स पार्किंग सेंसर, नंबर प्लेट लग जाएगी अपनी यहाँ पर। और साथ में तो अगर बूट स्पेस की बात करें तो आपको इस तरह से मिलेगा, देखो एक पल्ला ये खोला, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से सामान वामान रख लोगे, अंदर भी ये रखने की जगह जब बसेस में होती है। और एक चीज़ और देखो भाई, जनरली क्या है, हमें ऐसे ही खुलते हुए दिखते हैं ना डोर, इतने खुल जाते हैं, लेकिन इसमें खासियत क्या है देखो ज़रा, आप एक बार खोल के दिखाओ उसे भाई, ये पूरा का पूरा खुल जाता है। ये देखो कंप्लीट ओपनिंग है, मतलब कोई भी साथ में ट्रैफिक वगैरह है, ऑब्स्टेकल नहीं बनेगा उसके लिए, यहीं पर ही इस तरह से लग जाएगा। और अगर बंद करना है आपको तो बंद करने का वही पोजीशन है, चाहो इसे लॉक कर दो जैसे पहले लॉक हुआ था, ये यहाँ पर लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है, बढ़िया चीज़। चलो इसे करते हैं अपने बंद। तो भाई ये कहानी है पीछे की, ये कहानी आपको बता दी साइड प्रोफाइल की। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो मिल जाता है आपको 200 mm का, ठीक है भाई। चलो बाहर बाहर से दिखा दी, अब चलते हैं जरा इसके अंदर इंटीरियर में ज़्यादा देखने का शौक हो रहा होगा, सीटें हैं ना वो अभी दिखाता हूँ भाई। ये है अपनी चाबी, लॉक अनलॉक, और उसके साथ पोजिशनिंग लैंप, अपना गाड़ी पता लग जाएगी, दबाते ही लिप टिप करने लगेगी, ठीक है। सीट देख लें, सीट हाइट एडजस्टमेंट भी मिल रही है आपको, उसके साथ बैक और उसके साथ हेडरेस्ट वो भी एडजस्ट हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर पैर रखने की जगह है, तो भाई साथ में लाइट मिल रही है। बाकी इसके नीचे भी भाई लैंप मिल रहा है आपको, बिल्कुल पडल लैंप इसमें मिल जाता है। स्पेस है, बॉटल रखो, यहाँ स्पेस। ये हो गया अपना, गाने वाने बज गए, एक बार इसे म्यूट कर देते हैं ना, बढ़िया सूट करता है। चलो सूट बाद में सूट कराएंगे हम, ठीक है भाई, इसको करते हैं। हाँ ये भी तो रह गया था, पावर विंडो मिल जाती है, दोनों के दोनों ऑटो डाउन फीचर के साथ है, इधर वाली भी उधर वाली भी, और साथ में ये सेंटर लॉक करने का, ठीक हो गई कहानी। एक बार उधर ही चलते हैं, आपको दिखाता हूँ पहले अंदर का सिटिंग अरेंजमेंट है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है यार। हाँ ये देखो, ये है भाई सिस्टम, यहाँ भी लाइट, आगे भी लाइट, हर जगह लाइट ही लाइट है। ये पकड़ा हमने, ओहो हो क्या बात है।
भाई साहब ये है पूरा का पूरा अरेंजमेंट। 17 सीटें आपको मिल जाती हैं, पीछे 4 हो गई, और पीछे वाले भी ऐसा नहीं बंदे ऐसे ही गर्मी वर्मी में पड़े रहेंगे, उनके लिए भी डेडिकेटेड एसी दिया हुआ है यहाँ पर वेंट। एमरजेंसी पूरी की पूरी विंडो है, एक्सटिंग्विशर यहाँ पर लगा हुआ है, और सबका सामान रखने के लिए ऊपर, छोटा सामान रखने के लिए भाई कैरी वैरी साथ में जो करते हैं बस यहाँ पर रख लेंगे ऊपर। एसी यूनिट इंडिपेंडेंट दी हुई है, आगे की अलग और साइड की ये अलग अलग, यहाँ की अलग यहाँ की अलग, ये दोनों यहाँ पर डक्ट्स में वेंट्स के थ्रू मिलती रहेगी हवा, ठीक है। सारी सीट्स पर आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाते हैं, ये देखो ये दिख रहा है, ये रहा भाई इस तरह से दो दो पोर्ट दिए हुए हैं एक एक उसमें पॉइंट में, और आर्म रेस्ट मिल जाता है, रिक्लाइनर सीट मिल जाती है, लेग रूम बहुत ज़बरदस्त है, ये कुछ इस तरह से पूरा का पूरा मामला है। और आ जाते हैं यहाँ पर, लैंप भी हर सीट पर दिया हुआ है, देखो इंडिविजुअल रीडिंग लैंप है, ठीक है भाई। पूरी की पूरी लाइटिंग ऊपर दी हुई है, ये अभी आगे से जला के दिखाऊंगा मैं एक एक करके। अब बात आती है स्पीकर की, स्पीकर कितने, तो भाई इसमें मिल जाते हैं आपको टोटल 8 स्पीकर, 2 स्पीकर तो डोर पे हो गए, ठीक है आगे, उसके बाद 2 स्पीकर यहाँ, 2 स्पीकर यहाँ, फिर 2 स्पीकर यहाँ, मतलब टोटल 6 स्पीकर अंदर, 2 आगे, 8 स्पीकर का सेटअप, बढ़िया आवाज़ है भाई। ये हो गई पीछे की कहानी, सब कुछ देख लिया ना, मज़ा सा आ गया। चलो अब आ जाते हैं ज़रा आगे की तरफ, यहाँ पर आपको ये दिया हुआ सिस्टम जो 17 सीटर वाली है उसमें ये सीट, जो वो वाली बनाई थी अपन ने वीडियो जिसमें आपने 13 सीटर वाली थी उसमें यहाँ पर पूरी गैलरी जो थी वो खाली थी ना, लेकिन इसमें दिया हुआ है बाकी एसी ये पूरी यूनिट पीछे की चलाने के लिए, बाकी हर जगह SOS के बटन भी दिए हुए हैं, ये देखो सीट्स पर इंडिविजुअल दिया ना SOS के है, एमरजेंसी में कुछ भी होती है समझ ही सकते हैं आप, 100 परेशानियाँ हैं तो भाई उसमें ये SOS दबाते ही अपना अलर्ट चला जाएगा, लेकिन ये कैपेबल है उसके लिए, रेडी है SOS फीचर के लिए, इसमें आपको एडिशनली वो लगवाना पड़ता है, ठीक। तो ये हो गया, अब जरा एक बार दिखा देते हैं आपको आगे से, इसको करते हैं अपने इस तरह से बंद, फ्यूल टैंक ये बाब, ये देखो यहाँ से ऐसे खोला, ये रहा डीजल अपना 70 लीटर कैपेसिटी। आप कहोगे इसमें कोई लॉक लूक नहीं है, ना भाई लॉक नहीं है, क्योंकि ये ऐसे करके ढक जाता है ना, ठीक है। और यहाँ देखें ये रहा स्पीकर, और ये ठीक है यहाँ पर बैठने वाले बंदे के लिए भाई, ये रहा पोर्ट अपना, यहाँ पर फ़ोन ऑन रख लेंगे, ये हो गया ग्लव बॉक्स, उसके साथ यहाँ स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर भी स्पेस दिया हुआ है, स्पेस बहुत खेला है कंपनी ने इसमें। और एक बार चढ़ते हैं इधर, ये है अपना कॉकपिट, उधर से दिखाता हूँ यार मज़ा सा तभी आएगा, इसको करा इधर, ठीक है ओके रिपोर्ट, ये और हाँ एंटी थेफ्ट सिस्टम वगैरह दिया हुआ ना, बिल्कुल भाई हर तरह से फीचर लोडेड है। तो भाई ये है पूरा का पूरा अपना कॉकपिट एरिया, जबरदस्त वाला, एक बार स्टेयरिंग व्हील, टेल्ट, उसके साथ टेलीस्कोपिक बिल्कुल पूरा दिया हुआ है, और ये हो गया अपना वाइपर का स्टॉक, ये हो गया अपना यहाँ पर हेडलैम्प का स्टॉक। आ जाता है यहाँ पर क्लस्टर की तरफ, तो ये मिल रहा है आपको यहाँ पर टैकोमीटर, यहाँ है स्पीडोमीटर, और ये बीच में मिल रहा है अपना MID भाई, गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर भी इसमें मिल रहा है, क्या बात है। उसके साथ साथ ये हो गया अपना टेम्परेचर इंजन का, ये हो गया अपना फ्यूल गेज, ऊपर टाइम, नीचे ट्रिप वगैरह की डिटेल, एड ब्लू का लेवल, और उसके साथ साथ ये चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर ट्रिप डिटेल्स, ठीक है। चलो ये हो गए डन, यहाँ से स्टीयरिंग व्हील दिखा दिया, हॉर्न पी पी टू टोन में है, बहुत बढ़िया। उसके साथ साथ आ जाते हैं यहाँ, तो भाई म्यूजिक सिस्टम आपको मिल रहा है कैनवुड का, और जो 8 स्पीकर दमदार आवाज़ दे रहे हैं वो यहीं से दे रहे हैं, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ ये देखो भाई पी करते ही सेंसर पी बोल गए ना, तो भाई ये आपको मिल रहा है यहाँ पर कैमरा भी, जो कि ऊपर लगा रहेगा, ऊपर वाला सब देख रहा है भाई, ठीक है। ये हो गया अपना टिकटॉक ठीक, और देखो तमाम लाइटें दिख रही हैं भाई, तमाम क्या हैं ये देखो, ये अपने पीछे जल गई ठीक है इससे, और ये अपना यहाँ से ये ब्लू जल गई, नाइट लैंप बेसिकली ठीक है। उसके साथ ये हो गए दोनों के दोनों फॉग लैंप आगे पीछे का, ये इंजन स्टार स्टॉप, उसके साथ ये हो गए यहाँ के लैंप ठीक, और उसके साथ ये हो गया रीजनरेशन, यहाँ पर हो गया एमरजेंसी एकदम एग्जिट के लिए, सारे अनलॉक हो जाते हैं डोर, टी 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 करते हैं ड्राइवर कमांड देगा जैसे ही। यहाँ पर अपना यूनिट दी हुई है एसी की, मैनुअल एसी, एसी मिनिमम एसी मैक्सिमम दोनों धमाकेदार, बिल्कुल आपको कूलिंग चाहिए एक बार में दबा दो फुल एफिशिएंसी, फुल ब्लास्ट पे एसी चलेगा, बाकी मिनिमम कम पावर लेगा इंजन की और हल्की हल्की कूलिंग देता रहेगा। बाकी नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट हो गया, यहाँ पर USB वगैरह लगा लोगे इसके लिए, और नीचे भी स्पेस दिया हुआ है, ये देखो ये आपको दोनों साइड बॉटल होल्डर, दो दो सीटें जैसा आपको बताया, ये भी अपना अच्छा भाई, ये भी अपना आगे पीछे एडजस्ट हो जाते हैं पूरे, बढ़िया दिख रहा है पूरा भाई। लेकिन इसमें IRVM नहीं है,
अब ये मैंने अभी पूछा हुआ उनसे, वो कह रहे अभी बताएंगे क्यों नहीं है, लेकिन भाई इसमें आईआरवीएम अभी नहीं है। बेसिकली हो सकता है कि पीछे जो पैसेंजर है, क्योंकि प्रीमियम क्लास की गाड़ी है, उनको थोड़ा सा अपनी प्राइवेसी में ये लगे कि भाई नज़र पड़ रही है। लेकिन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था कि यहाँ पर फोल्डेबल वाला होना चाहिए था, कभी भी इमरजेंसी में कुछ भी जरूरत पड़ती है ड्राइवर को वो देख सकता है ना ये चीज। और यहाँ पर ये चीज लगी हुई है, ये है भाई इसका एंटीना, बिल्कुल बाहर कोई एंटीना नहीं है, ये एंटीना है अपना फोर्स का निकाला हुआ, ठीक है। यहाँ देखें, ओहो ये दिया हुआ है छोटा सा शीशा, और वाह क्या क्या दिख रहा है इसमें, ठीक है। और उधर उधर कुछ नहीं, ठीक है भाई डन हो गया ये यहाँ से। अब जरा एक बार बाहर निकलते हैं और इंजन के बारे में बताते हैं इसके, एक बार आवाज़ सुना इसकी, चलो भाई आवाज़ सुनाते हैं पहले, ठीक है। ओहो कोड़ 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 आए हाय, ओहो ओ भाई यहाँ पर अर्बेनिया ऐसे आ जाती है, अर्बेनिया नहीं अरवानिया भाई, कंपनी से अरवानिया कह रही है, कोई ये मत समझना कि भाई हम अरवानिया बोल रहे हैं, भाई अरवानिया कंपनी ने बोला है, ठीक है। चलो इसको टिंग टंग को बंद कर दें, फिर से बच गए ये, गाड़ी को भी करते हैं बंद और उतरते हैं यहाँ से, चढ़ाई चढ़नी पड़ती है भाई बढ़तेरी। और अब यहाँ से ये ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पर इंजन बे पूरा का पूरा भाई 2.6 CR, हर फोर्स की गाड़ी में हम यही बोलते हैं क्योंकि भरोसा ही उन्हें इस पर है। अब क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन, तो भाई ये दे देती है आपको लगभग 115 BHP की पावर, 350 Nm का टॉर्क, और भाई टॉर्क आपको 1400 RPM से ही मिल जाता है, कितना नीचे से, और ये जाता है सीधा रेंज अपनी 2200 RPM तक, ठीक है। इस तरह से है ABS विद EBD विद ESP, सब कुछ आपको मिल जा रहा है यहाँ पर। ओहो मटेरियल भी दिया हुआ है पूरा का पूरा साउंड एडिंग के लिए, और बाकी इसको एक बार करते हैं बंद। हाँ हाई स्ट्रेंथ सील कह रखा कंपनी ने, वो हमने यूज़ करी है, बाकी कंप्लीट एंटी रोल बार सिस्टम जो कार्स में देते हैं ना बेसिकली, उस तरह से उस सेफ्टी के साथ उस मतलब कंफर्ट लेवल के साथ उस प्रीमियमनेस के साथ इसको उतारा। और फिलहाल अगर कीमत की बात करें तो मोटा मोटा 30,94,000 यार 31 लाख पकड़ लो एक्स शोरूम प्राइस है इसकी, ठीक। इस तरह से ये थी अपनी 17 सीटर वाली ज़बरदस्त वाली, 10 से 12 की एवरेज है कंपनी बता रही है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में ठीक है भाई इतना करते हैं वीडियो को। वीडियो कैसा लगा और बानिया कैसी लगी अपनी 17 सीटर, और अगर वीडियो चला हो गाड़ी चली गई तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्त का, सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को, जय हिंद। बट डिफरेंस इसमें यह है कि भाई इसमें आपको जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलता है ना बाकी नीचे के दोनों वेरिएंट में 10 सीटर और 13 सीटर में, इसमें आपको रिजिड सस्पेंशन मिलता है आगे, क्योंकि बड़ी हैवी लोड के साथ हो गई ना। और वहीं बात करें एयरबैग की, तो एयरबैग इसमें आपको आगे ऑप्शनल दिए गए, स्टैंडर्ड नहीं आते, बाकी नीचे के वेरिएंट में आपको दोनों एयरबैग मिलते हैं, इसमें ऑप्शनल आते हैं।